आज आपका वेलकम किया जाता है स्केलेटन मैन चैनल पे और मैं हूँ श्रेया शुक्ला। तो आज हम लोग बनाना सीखेंगे चार फ्लिक्सिंग आर्डिनो कंट्रोल 12 एलईडीज विद 4GPIO पिंस। तो चलिए पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। मैं इसको चालू कर दे रहा हूँ, बस पावर देना है हमको। मैं इधर USB से पावर दे रहा हूँ, तो मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरी लाइट बंद कर दे। तो ये एक लाइट बंद हो चुकी है, दूसरी तीसरी सारी लाइट बंद हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, मेरे को तो मजा ही आ गया इसके लुक से। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, सारी की सारी LED जल रही है और वो भी सिर्फ चार वायर से। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा मैन से कि लाइट ऑन वापस कर दे। तो ये हमारी लाइटें ऑन हो चुकी है। तो देखिए इधर पे सिर्फ मैंने 1, 2, 3 और इधर एक नीचे वायर है 4, चार वायर की मदद से किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए कंपोनेंट कौन से चाहिए होंगे। तो ये है सारे हमारे कंपोनेंट और ये हमारे पास कुछ टूल्स है, ये 2-3 टूल्स जैसा कि आप देख सकते हैं। एक चिमटी है हमारे पास और फिर ये बैटरी है और बैटरी कनेक्टर है और फिर हमें चाहिए होगा एक 220 ओम का रेजिस्टेंस। इस पे जरा जूम करिए, ये आपको चाहिए होगा 220 का रेजिस्टेंस जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमें चाहिए होगी 12 LEDs, हमारी मेन चीज है। और फिर ये हमारा मेन बोर्ड आर्डिनो यूनो और हमें चाहिए होगा ब्रेड बोर्ड जो कि मैंने एक सर्किट बना के रखा है। और इसमें आप देख रहे होंगे और रेजिस्टेंस है, ये अपन को रेजिस्टेंस जो 220 ओम के है वो चार रेजिस्टेंस लग रहे हैं। तो और हमें चाहिए होगा जम्पर वायर और ब्रेडबोर्ड जम्पर वायर जैसा कि आप देख सकते हैं लगे हुए हैं कितने सारे। तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको इसमें बनाने का पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा, नहीं तो फिर वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं सारे एक पूरा रो बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी सब का बता दूंगा। तो इधर पे हमें क्या करना है, एक कोई सी भी LED लेनी है, उसका प्लस को पहले वाले रेजिस्टेंस में और माइनस को दूसरे वाले रेजिस्टेंस में जोड़ देना है। देखिए ऐसे, तो इसको जोड़ दिया है हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमें ये होगी दूसरी LED, कोई सी भी रंग आप ले सकते हैं, उसको इसी के अपोजिट में सेकेंड वाले रजिस्टर में पॉजिटिव और फर्स्ट वाले में नेगेटिव, ऐसे करके आपको इसे जोड़ देना है। ब्रेडबोर्ड पे सर्किट है इसलिए मैं आपको पूरा बता नहीं पा रहा हूँ अच्छे से पूरा बना करके। तो ये हम लोगों को इधर पे इसे टेस्ट करना है। तो इसका वायर हम लोग लगा के देखेंगे तो एक LED जल रही है और अगर इसको उल्टा करके लगा करके देखेंगे दूसरी LED जल रही है। दूसरी LED ये थोड़ी सी डिम वाली LED है, मैं आपको वो ब्राइट अच्छी खासी ब्राइट वाली LED, इतनी ब्राइट नहीं है लेकिन अच्छी ब्राइट है ये वाली LED लगा के बताता रहता हूँ मैं आपको। तो ये मैं लगा दे रहा हूँ, ये देखिए आपकी दोनों LED एक साथ नहीं जलनी चाहिए, अगर आपका ऐसा हुआ तो फिर आपका नहीं काम करेगा ये। तो चलिए अब मैं बाकी सब जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो अभी हमारा पूरा सर्किट पूरा हो चुका है, ये आपको बहुत ज्यादा लाइट होने की वजह से शायद तक नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पहले कुछ जम्पर वायर लेने हैं, ये
ये चार जंपर वायर हम ले रहे हैं, एक ब्रेडबोर्ड जंपर वायर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास मेल टू मेल जंपर वायर सिर्फ चार नहीं थे, सिर्फ तीन ही थे, तो फिर मैं तीन ले रहा हूँ। ये पहला जो जंपर वायर है मेल टू मेल वाला, उसको आपको आर्डिनो की पिन नंबर 8 पे डालना है, 8 वाली पिन में डालना है। जरा जूम करके बताइएगा कैमरामैन। फिर जो ये 8 पे डाला है उसको फिर आपको जो पहले रजिस्टर है उसमें डालना है। तो ये हमने डाल दिया है। अब जो दूसरा आपको लेना है, दूसरा कोई सा वायर लेना है और उसको फिर पिन नंबर 9 में डाल देना है, आर्डिनो की पिन नंबर 9 में। तो ये मैंने फटाफट डाल दिया है और फिर अब सेकंड वाला रेजिस्टेंस में इसको मैं लगा दूंगा। तो उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोगों को उसके बाद ये जो थर्ड वाला रेजिस्टर है इस पे एक वायर कनेक्ट करना है। ये मैं ब्रेडबोर्ड जम्पर वायर वाला वायर यूज कर रहा हूँ, तो इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ और अब इसे पिन नंबर 10 में, आर्डिनो की पिन नंबर 10 में इंसर्ट करना है। और फिर अब इसको ये जो पिन नंबर 11 में एक जम्प पर वायर को इंसर्ट करना है और चौथे रजिस्टर में इसको इंसर्ट करना है। तो चलिए अब इसको पावर करके देखते हैं। तो चलिए ये काम कर रहा है अभी अच्छे से। तो मैं वापस से कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि लाइटें सारी बंद कर दें, मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो मैं आपको अच्छे से सब करके बता देता हूँ। तो ये सारी लाइटें बंद हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया है इधर पे, और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है इधर पे, बहुत ही एकदम शानदार। ये डिस्को लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसके जो कोड्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको वीडियो में मिल ही जाएगा, वीडियो के लास्ट में। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।